नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर पौड़ी से है, जहां यमकेश्वर विधानसभा में पर्यटकों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ और रिसोर्ट संचालक। 19 अगस्त की रात भारी बरसात के चलते यमकेश्वर के मोहनचट्टी क्षेत्र के शिव विला और सिल्वर रिवर रिसोर्ट में 24 पर्यटक फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और रिसोर्ट के संचालक श्री चेतन ने सरकारी मशीनरी के सहयोग से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दिन रात तैनात होकर आपद राहत कार्य, रेस्क्यू, प्रभावित लोगों के सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, उनके खाने पीने ईंधन के साथ उनको जरूरी सहायता प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मामला उत्तरकाशी से है। पुरोला विधानसभा सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बरसाती नाले को पार करने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। वहीं वीडियो में कुछ स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद अब सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब विधायक खुद संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, तो बरसात के दिनों में ग्रामीणों की समस्या को बखूबी समझा जा सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तरफ से भगवान कृष्ण को खूब आकर्षक ढंग से सजाया गया। भगवान कृष्ण का डोला फूल मालाओं से सजाया गया। इस मौके पर क्षेत्र की महिला समिति ने भगवान कृष्ण के भजनों को गाकर पूरे क्षेत्र को कृष्णमयी कर डाला। वहीं छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण और राधा रानी की भूमिका में नजर आए। पूरे क्षेत्र में परिक्रमा के बाद डोला स्नोवी देव मंदिर में विसर्जित किया गया। मोरी के कई गांवों में मानसून के लगातार बारिश से हुई क्षति का क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल एवं जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने मलाना गांव के पास गदरे से हो रही भूमि कटाव और खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आराकोट चिंवा सड़क मार्ग पर मानसून सीजन में जहां जहां भूस्खलन हुए हैं, वहां जेसीबी मशीन, मजदूर और पर्याप्त संसाधन मौजूद रखा जाए, साथ ही आवागमन को दुरुस्त रखा जाए। अभी जैसा कि मेरा क्षेत्र भ्रमण चल रहा है और भ्रमण के दौरान अनेक समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई हैं, उसमें यह पता लगा है कि अभी सेब की फसल के निकलने का समय है और मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मलबा आने से अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इन स्थानों पर जेसीबी से लगातार काम चल रहे हैं, जिनसे खुलवाया जा सके मार्गों को और बीच बीच में गाड़ियां भी निकलवाई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे हैं जो 2-3 वर्ष पूर्व जो एक आपदा आई थी उसके समय में वो क्षतियाँ हुई थी और उनकी स्वीकृतियाँ कुछ कामों की हुई हैं और वो काम होने बाकी हैं। और शेष आज मेरे क्षेत्रीय कार्य भ्रमण कार्यक्रम, जिसमें कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय भी साथ थे और साथ साथ पूरे जितने भी जिले के जो विभाग हैं, आपके डबल जितने भी निर्माण एजेंसियां और साथ साथ के जो आपके खाद्य विभाग से लेकर के आपके जल संस्थान, सिंचाई, तमाम सभी फॉरेस्ट सारे विभाग जो है आज जो है साथ थे, सभी अधिकारी साथ थे। और जब इस क्षेत्र में जो हाराकोट बंगाण है और आपका देख सरोवर नगरी नैनीताल से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कोसी नदी में एयरफोर्स के 2 जवान डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों जवान एयरफोर्स यूनिट भवाली में कार्यरत थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक जवान का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।